दोस्तों, देश में इस समय आईपीएल चल रहा है और चल रहा है वो कारोबार जो निरंतर युवाओं को कर्ज की दुनिया में धकेल रहा है। क्रिकेटरों के करोड़ों पक्के हैं, चाहे वो उन्हें खेलकर मिले या लोगों को खिलाकर। कंपनी भी करोड़ों कमा लेगी, बीसीसीआई भी करोड़ों निकाल लेगी, टीमों के मालिक भी कमा लेंगे, लेकिन बर्बाद होंगे हमारे देश के युवा, बर्बाद होंगे इस देश के बच्चे, बर्बाद होंगे इकोनॉमी से कमजोर लोग। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ऑनलाइन गेमिंग हमारे युवा को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, आखिर कोर्ट क्या कर रही है। इस समय देश में ड्रीम इलेवन, MPL, माई सर्कल इलेवन जैसे सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग, या सीधे शब्दों में कहे तो सैकड़ों ऑनलाइन बैटिंग करवाने वाले ऐप की बाढ़ सी आई हुई है और देश में एकाएक कर्जदार और मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ये हम नहीं कहते बल्कि इस कड़वी सच्चाई का उजागर कर रहे हैं देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर और आम जनता। द सर्ट क्लिनिक बेंगलोर के डेड डॉक्टर मनोज शर्मा ने एक मैगजीन के दिए इंटरव्यू में कहा है, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सही आंकड़े दे पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आधारित एडिक्शन अभी हमारे देश में बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। तो वही एम्स की डॉक्टर रचना भार्गव ने कहा, कई भारतीयों फैंटेसी गेम में पैसे लगाना तब तक एक समस्या नहीं समझते जब तक ये जानलेवा न बन जाए, ये मानसिक बीमारी न बन जाए। हम लोग रोज ऐसे मामले को देख रहे हैं। एक युवा जो सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है, अपने कजन के 2.7 लाख रुपया इन गेमों को खेलकर हार जाता है और कजन के पैसा वापस मांगने पर अपने साथ हुई डकैती की झूठी कहानी पुलिस में दर्ज करवा देता है। तफ्तीश के दौरान जब सच्चाई सामने आती है तो फैंटेसी गेम के एडिक्शन से पैसे हारने की बात सबको बताता है। कोई चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति जो इंडियन आर्मी में पोस्टेड है, उन्हें ट्वीट के जरिए जानकारी दी जाती है कि फैंटेसी गेम को खेलकर अपनी सारी जमा पूंजी तकरीबन 20 लाख रुपए हार चुके हैं और साथ ही साथ बैंक का कर्जा भी हो गया है। करीब 55,000 रुपए उनकी सैलरी है जो पूरी की पूरी EMI में चली जाती है। अब इसमें वो क्या बचाए और क्या बीवी बच्चों को खिलाए। ऐसे फैंटेसी ऐप में एंट्री बैरियर काफी लो रखा जाता है। आपके पास एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन और शुरुआत करने के लिए 10-20-50 रुपए और अंत में मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने। इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेट भगवान, और वो भगवान टीवी पर बार बार आकर आपसे कह रहा है फलाने ऐप में टीम बनाओ, ठिकाने ऐप में टीम बनाओ, तो आप एक बार के लिए बना ही लेंगे। ये एक प्रिंसिपल इमोशन है और जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। आज 50 लगा, 100 जीते तो लगता है 500 जीत लूं। इसी लालच में जब वो हार जाता है तो उसे लगता है अब कवर हो जाएगा। इस क्रम में वो कर्जदार बनते चला जाता है, उसमें अपनी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, आप पर दोस्तों का, बैंक का, परिचितों का कर्जा हो जाता है। आपका काम करने में कहीं मन नहीं लगता, हर बार इस बार जीतने की चाहत आपका पीछा नहीं छोड़ती और हमेशा धकेलती है और बड़े कर्ज में डाल देती है। कर्जे की दुनिया में घुसने के बाद लोग गंभीर अवसाद की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ से वापस आ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कर्जा भरने से आसान उन्हें अपना जीवन समाप्त कर लेना अच्छा लगता है। ये जानलेवा व्यापार आखिर क्यों नहीं रुक रही है। इन गेमिंग इंडस्ट्री ने 3 सालों में कैसे 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़ की यात्रा की। रोज इतने सारे नए खतरनाक स्टार्टअप कैसे हो रहे हैं। तकरीबन 16 करोड़ लोग उनके साथ खेलते हैं। कोर्ट के अनुसार सभी प्रकार के बैटिंग इस देश में गैरकानूनी है, लेकिन जब बात फैंटेसी गेमिंग की आती है तो उसको लेकर देश में कोई नियम कानून ही नहीं, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने आप को गेम ऑफ स्किल के तहत दर्शाया है, न कि गेम ऑफ चांस के तहत। कंपनियां कहती है कि लोगों को इसमें ये देखना होता है कि मैच कौन सी पिच पर हो रहा है, सामने कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस स्किल कैसा होगा, इन सभी को देखकर गेम खेला जाता है। तो ये सट्टा कैसे हुआ, जुआ कैसे हुआ, गेम ऑफ चांस कैसे हुआ। राजस्थान राज्य के बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग को लीगल मानते हुए राज्य का निर्णय बदल दिया और इसे लागू करना न करना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। तेलंगाना, असम, उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों को फैंटेसी गेम पर बैन लगाने से इन कंपनियों ने सोचा कि इस तरह से उनका व्यापार तो बंद हो जाएगा, तो उन्होंने FIFS नामक एक संगठन बनाया जिसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट रखा और उसका अध्यक्ष ड्रीम इलेवन को ही बनाया, मतलब बिल्ली को ही दूध का चौकीदारी दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस संगठन का कहना है कि हम भारत सरकार के सारे नियम कायदे और कानून मानते हैं। हम 18 साल से नीचे लोगों को तो खेलने ही नहीं देते। और जब इनके ऐप को चेक किया गया तो बस एक सिंगल टिक से 18 साल से नीचे के बच्चे को खेलने का एक्सेस मिल जाता है। इसको कंफर्म करने का इन कंपनियों के पास अगर निष्कर्ष में पहुंचा जाए तो केंद्र सरकार को इन खतरनाक और जानलेवा गेम को बैन करने वाले राज्यों से सीख लेकर कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि फिर कोई व्यक्ति इन लुभावनी और माया जाल से बड़े फैंटेसी गेमिंग के चक्रजाल में फंस कर अपने आप को बर्बाद न कर ले। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अभी ऐसे गेम को खेलने से बचेंगे। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।